जी बेटा, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा एग्जाम्पल्स हैं 15 चैप्टर्स की, तो उसी के मतलब बात करते हैं। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है हमारे पास 15.1। 15.1 में वो क्या कहता है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मुराद ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो डेफिनेटली इसको आपने पहले मीटर में कन्वर्ट करना। इज मूविंग एट अ स्पीड, आपको वेलोसिटी दे दी है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एंगल दिया हुआ है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, तो डेफिनेटली आप मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। वी आपको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, लेंथ आपको दी हुई है साइन थीटा, थीटा एंगल आपको दिया हुआ 90 डिग्री। आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल, ये तो आसान तरीन एग्जाम्पल थी, उससे अगला सवाल देखें। अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप के अगर परपेंडिकुलर हो तो डेफिनेटली जो हमारे पास वेक्टर एरिया आता है वो पैरेलल आता है, यानी एंगल हमारे पास 0 डिग्री आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हमारे पास बी की वैल्यू दी हुई है, द एरिया ऑफ द लूप बिगेंस टू श्रिंक एट ए कॉन्स्टेंट रेट। जो आपके पास उसका लूप का एरिया है वो श्रिंक हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट के साथ। आपको डेल्टा डे ए ओवर डेल्टा डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी दिया हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड में है। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द लूप वाइल इट इज श्रिंकिंग, आपने वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। यहाँ पर नेगेटिव साइन का बड़ा इशू बनाना है आप लोगों ने, इस वजह से मैं पहले बता दूँ, मैग्नीट्यूड के अंदर आप नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करते, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। एवरेज वैल्यू लें या कुछ भी, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब आपको जस्ट आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फिर आपने नेगेटिव साइन का यूज करना, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ लूप लिखा हुआ है, इसका मतलब एन की वैल्यू आपके पास 1 है, थीटा आपको दिया हुआ है, आपने ई एम एफ मालूम करनी है, आपके पास फार्मूला है ई इज इक्वल टू माइनस एन होता है, तो मैग्नीट्यूड की वजह से माइनस नहीं है, एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो डेल्टा फाई है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, बी तो सेम रह रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो बी डॉट डेल्टा ए इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इनमें आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। उससे अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं एन ईएमएफ 5.6 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हाइल द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 100 एम्पीयर टू 20 एम्पीयर इन 0.02 सेकंड। उसने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी है, नियर बाय कॉयल जो है वो डेफिनेटली प्राइमरी कॉयल है, उसका करंट चेंज हो रहा है 100 एम्पीयर से 20 एम्पीयर, तो आप इसका चेंज इन करंट निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी जब आप निकालते हैं तो आप माइनस साइन को निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद इफ द सेकेंडरी हैज 200 टर्न फाइंड द चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, आपने वो चेंज इन फ्लक्स भी निकालना है, ठीक है। अब चेंज इन फ्लक्स ये देखें, फ्लक्स जो है ये नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस का मतलब ये तादाद होगी, ये माइनस में नहीं होती, ये हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। इस वजह से जब आप चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे तब भी जो फार्मूला यूज करेंगे वो भी माइनस साइन को निगलेक्ट करने के बाद ही आप यूज करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी कॉयल की ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई है, इंड्यूस्ड हुई है, उसके बाद आपकी प्राइमरी कॉयल के अंदर जो करंट का चेंज आ रहा है, टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल दिए हुए हैं, उसके बाद आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है और चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल आपने निकालना है, ठीक है। आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ आप एम निकालना चाह रहे हैं, ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर आएगा। यहाँ पर याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट आपको याद होना चाहिए हेनरी है, तो आप यहाँ पर एच लिखेंगे हेनरी के लिए। उसके लिए आप उसके बाद आपने निकालनी है चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स का आपके पास फार्मूला यही दिया हुआ है, यहाँ से आप डेल फाई एस निकालना चाह रहे हैं, इसको इधर रहने दें, बाकी सारा कुछ उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स बराबर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे अगले एग्जाम्पल है जी, द करंट इन अ कॉइल ऑफ
अंडर टर्न इज चेंज फ्रॉम 5 to 0, इसका मतलब चेंज इन करंट दिया हुआ है, इन 2 सेकेंड आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इफ एन एवरेज ई एम एफ 50 वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अगेन आप माइनस साइन रिमूव करेंगे, क्योंकि आप सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में आपको याद होगा वहां पर मैंने बताया था ये कॉन्स्टेंट है तो हम इनके वैल्यूज में नेगेटिव नहीं लेते। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ई टर्न ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज फॉलोइंग, आपने बताना है, आपने चेंज आपने फ्लक्स की वैल्यू बतानी है जब उसके हर एक टर्न के अंदर से 6 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो, ठीक है। पहले आप सेल्फ इंडक्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस के ही टॉपिक में हमने ये फार्मूला पढ़ा था तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एन मल्टीप्लाई ईच टर्न के लिए निकालना है तो आप इस एन को इधर ला के डिवाइड करेंगे, ये एक टर्न का है, और अगर एन टर्न्स का निकालना हो तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ये आखिरी एग्जाम्पल है इस चैप्टर की जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी एसी जनरेटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्स, हमारे पास जो एसी जनरेटर है वो 50 हर्ट्स हर्ट्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हैज अ कॉइल ऑफ 200 टर्न, यानी कि उस जो हमारे पास जनरेटर है उसकी कॉइल 200 है। द कॉइल हैज एन एरिया, एरिया आपको देख सकते हैं सेंटीमीटर स्केयर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको मीटर स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल रोटेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 240 वोल्टेज, आपने बताना है कि उसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी कि कॉइल वही कॉइल जो कि जिसकी टर्न 200 है वो रोटेट करे और 240 वोल्टेज प्रोड्यूस करवाए, आपने बी की वैल्यू बतानी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका फार्मूला मैक्सिमम के लिए, क्योंकि हमने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है आपने फार्मूला लिया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला था वो था एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा, अब जब हमने मैक्सिमम करना था तो साइन को वन कर दिया था तो हमारे पास मैक्सिमम का फार्मूला था एन बी ए ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर है, तो एन आपको दिया हुआ है, बी आपने मालूम करना है, एरिया भी आपको दिया हुआ था सेंटीमीटर स्केयर में जिसको आपने पहले मीटर स्केयर में कन्वर्ट किया, पाई की वैल्यू आपको पता है, एफ जो है ये भी आपको उन्होंने दिया हुआ है, तो आप क्या करें बी आपने मालूम करना है, बी इधर ही रहने दें, बाकी तमाम फैक्टर उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं और इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ टेस्ला, ठीक है। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो है वो असाइनमेंट में दिए हुए थे, ये 15.1 नहीं दिया हुआ था तो मैं 15.1, 15.2, उसके बाद ये 15.3 और ये 4, यहाँ तक ये नहीं दिए थे, इससे ऑनवर्ड जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको दिए हुए थे इसलिए मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा अगर हमारे पास जो आगे वाले हैं वो हम शॉर्ट जो बच्चों ने सवाल आज इनमें किए हैं जस्ट वही मैं आपको बताऊँगा, बाकी आपने किए हुए हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल है जी, पहला है एन ई एम एफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल रॉड मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपके पास ई एम एफ की वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन ई एम एफ, यानी कि वही रॉड हो उसमें कितनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए अगर उसमें ई एम एफ 0.45 की जाए 1.5 वोल्टेज प्रोड्यूस हो, assuming that all other factors remain same, यानी कि जो आपका velocity और angle है वो same रहे, तो आपने उस magnetic field की value बतानी है। जब हमारे पास पहला case होगा तो हमारे पास जो induced EMF VBL sin theta पहला है तो 1-1 लिखेंगे, दूसरा है तो 2-2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर length और theta और B जो है ये उसने कहा है assuming that all other factors remain same, अगर ये same रहे इनकी value के साथ आप 1-1 नहीं लिखेंगे, आपने B की value निकालनी है, B2 की वैल्यू दूसरे केस की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से B2 की वैल्यू निकालना है, B1 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास B2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ अ हॉट शो मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है डायरेक्टली डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जो आपके पास बी है ये ऊपर से नीचे की तरफ है
और शो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सूरत में होते हैं, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर की लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी। व्हेन इट इज मूव्ड इन ए डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अब ये जो वायर है वो हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और जो आपके बी है वो नीचे की तरफ है। वेलोसिटी का जो बी के साथ एंगल होता है वो फार्मूले में यूज होता है, हॉरिजेंटल के साथ एंगल नहीं हम यूज करते। इसलिए सबसे पहले ये आपने क्या करना है, ये थीटा जो है बी के साथ निकालना है। ए क्वाड्रेंट जो होता है उसमें टोटल 90 एंगल होते हैं, तो 60 उसने एक्स एक्सिस के साथ रखे हैं, तो बी के साथ कितने रह गए, 90 में से आप 60 निकालेंगे तो आपके पास 30 डिग्री रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्पीड आपको दी हुई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 10 की पावर -2, तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वी आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपके पास मोशनल ईएमएफ वाला एक फार्मूला है, E = VBL sin थीटा, वी आपके पास 1 है, बी आपके पास 0.5 है, एल आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.05, और एंगल आपके पास 30 डिग्री। मैंने फिर बता दूं एंगल जो हमारा इस फार्मूले में यूज हो रहा है वो बी और वी के दरमियान है, ना कि हॉरिजेंटल और बी के दरमियान। हॉरिजेंटल साइड आपकी एक्स एक्सिस होती है, उसके साथ और बी के साथ एंगल नहीं है बल्कि वी और बी के दरमियान है। इस वजह से यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ था वो हॉरिजेंटल के साथ दिया हुआ था। आप इसको बी के साथ लेने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 60 निकालेंगे। आगे एक और सवाल दिया हुआ है वो भी इसी तरह का है, सबसे पहले आपने वहां पर एंगल निकालना है, ठीक है। अब उससे अगला न्यूमेरिकल है, अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स, यानी एन की वैल्यू आपके पास 10 दी हुई है, ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ 1.5 × 10⁻³ स्क्वायर, आपके पास एरिया दिया हुआ है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब वेक्टर एरिया के पैरेलल होगी, एंगल 0 डिग्री होगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.01 टेस्ला आ जाएगी इन 0.1 सेकेंड, आपके पास टाइम दिया है। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, आपने एवरेज ईएमएफ निकालनी है। एवरेज का वर्ड मैंने आपको पहले बताया, नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, आपका फार्मूला जो होगा वो प्लस में होगा। एवरेज निकालनी है, एवरेज हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप एवरेज निकालें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई जब हम ओपन करते हैं तो डेल्टा बी इंटू ए आएगा, साथ कॉज ऑफ थीटा आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो कॉज थीटा है, थीटा आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री है, तो उसको उन्होंने 1 लेकर यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ, तो n इंटू डेल्टा बी ए और डिवाइड बाई टी इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, अ सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, n की वैल्यू दी हुई है और r की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल r रेडियस की सेंटीमीटर में दी है, तो सबसे पहले इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। द प्लेन ऑफ कॉइल लाइज एट 40 डिग्री, ये जो प्लेन आपके पास मौजूद है इन कॉइल का वो 40 डिग्री पे लाई कर रहा है। 40 डिग्री का मतलब एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका 40 डिग्री है। टू आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, और उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपके पास 0.2 टेस्ला है। इफ़ द फील्ड इज इंक्रीज बाय 0.5 टेस्ला टू 0.5 टेस्ला इन 2 सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास 2 से 5 की तरफ हो जाए, यानी 0.2 से 0.5 हो जाती है 2 सेकेंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोबारा से मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी है, तो आपका फार्मूला नेगेटिव साइन के बगैर होगा। अब यहाँ पर एंगल उसने एक्स एक्सिस का 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसको बी के साथ निकालेंगे तो डेफिनेटली 90 में से 40 निकालेंगे, आपके पास 50 डिग्री रह जाएगा। आप यहां पर उसका इस्तेमाल करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई चेंज हो जाएगा डेल्टा बी इंटू ए में, और साथ कॉज ऑफ थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्योंकि आपके पास सर्कुलर कॉयल है तो एरिया इसका पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, वो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ए की जगह पर डेल्टा बी इंटू ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
ये मैंने आपको दिया था, नहीं चलें ये भी करवा देते हैं। टू कॉइल्स आर प्लेस साइड बाई साइड, इसका मतलब साइड बाई साइड पड़ी हुई है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। दो कॉइल्स हैं एक दूसरे के करीब पड़ी हुई है। एन ई एम एफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व इन वन कॉइल व्हेन द करंट इन चेंजिंग एट द रेट, आपके पास करंट का चेंज जो है एक कॉइल के अंदर जो चेंज हुआ दूसरे में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखी वो 0.8 है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पहले भी बात की माइनस साइन हम नहीं लिखते, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होगा वो एम इंटू डेल्टा आई पी ओ डिवाइड बाई डेल्टा टी है। ये आपके पास फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 200 के बराबर, ये हमने आर निकालना है मल्टीप्लाई इधर आगे आगे डिवाइड होगा, आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आया 4 × 10⁻³ हेनरी, तो 10⁻³ की जगह पर आप मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी ये हमने एग्जाम्पल की है सेम ऑन द मतलब सेम मेथडोलॉजी के ऊपर, सेम वर्ड बस वैल्यू चेंज की हुई है, वो यहाँ पर यूज हुई है दोबारा से, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपने वो फार्मूला पहले भी यूज़ किया, एग्जाम्पल है एक सेम इसी पैटर्न के ऊपर। सोलेनोइड है 250 टर्न्स, एन की वैल्यू दी हुई है एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ई टर्न, आपने ई टर्न से फ्लक्स की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन द करंट इज 2 एम्पीयर, सबसे पहले आपने फाई मालूम करना है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पीयर पर सेकेंड, आपके पास करंट का चेंज यानी डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है वो आपके पास 20 एम्पीयर पर सेकेंड है। एल की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो फाई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एन फाई इन इक्वल टू एल आई, इस फार्मूले से आपने ई टर्न के लिए निकालना है तो एन को इधर ला कर डिवाइड कर देंगे। ये मैंने आपको दिया था आई थिंक, नहीं यहाँ से मैंने आपको वो दिया था असाइनमेंट में, तो ये भी कर लेते हैं। कहते हैं सोलेनोइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर में ये भी दिया होगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 520 टर्न्स, एन की वैल्यू दी है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड व्हेन द कोर इज एयर, आपके पास कोर जो है वो एयर हो, एयर का मतलब है हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4π × 10⁻¹, ये एयर के लिए है, ठीक है, परमिएबिलिटी की वैल्यू। इफ द करंट इन द सोलेनोइड इंक्रीज थ्रू, करंट का चेंज आया है, कितना चेंज आया है कि कोई खास वैल्यू थी उससे आगे वैल्यू चेंज में हुई, उस चेंज को उसने यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 एम्पीयर इन 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड निकालनी है, फिर पॉजिटिव फार्मूला देंगे, और आपके पास एयर के लिए यहाँ पर परमिएबिलिटी भी दी हुई है, ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इंक्रीज इन करंट आपको दिया हुआ है, उसके बाद टाइम इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू दिया, आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, ठीक है। आप इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी निकाल सकेंगे जब आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने फार्मूला निकाला था म्यू नॉट एन स्केयर ए एल, यहाँ पर ये जो एन स्केयर है ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो एन को हम लिख सकते हैं एन बाय एल स्केयर की वजह से ऊपर एन स्केयर डिवाइड बाय एल स्केयर, एक एल इस एल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक एल ही रह जाएगा, ऊपर म्यू नॉट एन स्केयर ए और डिवाइड बाय एल, आप इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। उसके बाद ये वाला मैंने आपको दिया था एनर्जी स्टोरेज वाला असाइनमेंट में दिया हुआ था, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं था, ये भी दिया था इसमें भी किसी को कोई सवाल नहीं था, लेकिन ये वाला जो था इसमें कल की क्लास में मुझे बताया गया था कि कोई बात समझ नहीं आई तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। कहते हैं जी एक कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मुराद पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली एम्पेयर, मिली ओहम, आपके पास आर मिली ओहम में दिया हुआ है तो आप इसको ओहम में कन्वर्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है रिंग के ऊपर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसका मतलब पैरेलल टू इट्स वेक्टर एरिया। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला,
इन टाइम इंटरवल, आपको टाइम इंटरवल दिया और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। व्हाट इज करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, आपने करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू दो चीज़ों से आती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस से और दूसरा रेजिस्टेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो सबसे पहले आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपके पास फार्मूला ये है, इस फार्मूले के अंदर डेल्टा फाई है, आपको वह एन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉपर रिंग है, एक कॉपर रिंग है, इसका मतलब एन वन है। उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये देखें, और डेल्टा फाई के अंदर डेल इंटू डेल्टा बी इंटू ए है, ए आपके पास क्योंकि ये रिंग है तो पाई आर स्क्वायर के जरिए आप निकालेंगे, और डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, चार में से 0.4 में से 0.2 निकालेंगे तो आपके पास डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, आपके पास एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आप ओम लॉ के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, इसकी ये स्लाइड दी हुई है। अगर किसी स्टूडेंट ने, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, किसी स्टूडेंट से ये कोई सवाल सॉल्व नहीं हो सका था या उसके पास अगर नोट्स नहीं थे, तो वो इनको स्लाइड्स को भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज रख सकता है। अब मैं आपको परमिट करता हूँ कि मुझे सवाल